देखो इस चैप्टर में हम लोग डिफरेंट टाइप्स का केमिकल रिएक्शन का स्टडी कर रहे हैं, जिसमें आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिंगल और डबल दोनों हो गया है। अब एक टॉपिक आ रहा है हम लोगों का नेक्स्ट रिएक्शन, कोरिजन के नाम से जानते हैं। कोरिजन क्या होता है? यस, कोरिजन क्या होता है? मेटल के सरफेस के ऊपर, मेटल का जो सरफेस है उस सरफेस के ऊपर केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाना, मेटल के सरफेस के ऊपर। ये मान लेते हैं ये मेटल है, क्लियर। और ये मेटल किसका मेटल है? मान लेते हैं ये आयरन मेटल है। आयरन मेटल के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं? Fe एटम्स या Fe आयंस हैं, यही है ना कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सपोज करो ये Fe है, ये एक छोटा सा टुकड़ा हमने आयरन मेटल का लिया, तो ये सारे के सारे सरफेस हो गया ना जी, सरफेस हो गया। और अगर हम इस बीच वाले एटम को देख रहे हैं, सरफेस के बीच वाले एटम, तो सरफेस के बीच वाले एटम इस एटम को देख, अपने सराउंडिंग एरिया से जुड़ा हुआ है, तो ये कंप्लीट बैलेंस फोर्स से जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ, चारों तरफ से बैलेंस फोर्स इसको लग रहा है। सिमिलरली इस एटम को देख रहे हैं, तो इस एटम भी चारों तरफ से बैलेंस फोर्स से जुड़ा हुआ है। ये भी एटम्स चारों तरफ बैलेंस फोर्स से जुड़े हुए हैं, इसको आप साइड कर दीजिए। साइड कर देने का मतलब ये हुआ, अब आप देखिए ये सरफेस एटम है, सरफेस का एटम क्या ये बैलेंस फोर्स से जुड़ा हुआ या नहीं जुड़ा हुआ, इसको हम देख रहे हैं। अगर हम इस एटम की चर्चा करते हैं तो ये एटम ऊपर वाले एटम से बॉन्डेड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है, अगल बगल वाले से जुड़ा हुआ है, लेकिन नीचे में तो कोई एटम इनके पास नहीं है। सो दैट सारे के सारे सरफेस वाले एटम जो हैं वो एक अनबैलेंस फोर्स को फील कर रहे हैं, और सरफेस के अंदर वाले एटम जो हैं ये बैलेंस फोर्स को फील कर रहा है। लेकिन सरफेस का जो एटम है अनबैलेंस्ड फोर्स को फील कर रहा है, समझ में आ रही है ना? तो क्या लिखा हुआ है? मेटल के सरफेस के ऊपर केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन होना, ये कैसे हो रहा है? अब ये मेटल का जो सरफेस है, सरफेस एटम ये हो गया, अब ये सरफेस एटम अनबैलेंस्ड फोर्स को फील कर रहा है, वो अपने आप को बैलेंस करने का प्रयास करेगा, चूँकि ये सराउंडेड है एटमोसफेयर में चारों तरफ से, तो एटमॉस्फेयर में ये ऑक्सीजन और मॉइस्चर, मॉइस्चर का मतलब H2O मॉलिक्यूल, ये दोनों कहाँ पे हैं? एटमॉस्फेयर में है, समझ में आ रही है ना? तो ये अपने आप को बैलेंस करने के लिए ये क्या किया, एटमॉस्फेरिक केमिकल सब्सटेंसेस को अपने तरफ इंटरैक्ट किया, इसको भी अपने तरफ इंटरैक्ट किया, इसको भी ये अपने तरफ इंटरैक्ट किया। तो सरफेस के जितने भी एटम्स हैं क्या कर रहा है,
अपने आप को बैलेंस करने का प्रयास कर रहा है, और उस बैलेंस करने के लिए वो किसको अपने तरफ इंटरेक्ट कर रहा है, तो एटमॉस्फेरिक केमिकल सब्सटेंसेज को अपने तरफ इंटरेक्ट कर रहा है। तो पर्टिकुलर एटम, पर्टिकुलर मेटल के जो एटम है वो पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक केमिकल सब्सटेंसेज को अपने तरफ इंटरेक्ट कर रहा है। एटमॉस्फेयर में तो बहुत से सारे केमिकल सब्सटेंसेज हैं, क्या ये सारे को अपने तरफ इंटरेक्ट कर रहा है? नहीं। किसको? तो जिसके प्रति ये सेंसिटिव है। किसके प्रति सेंसिटिव है? ऑक्सीजन और मॉइस्चर, अपने तरफ इंटरेक्ट किया। किस लिए इंटरेक्ट किया? ताकि ये अपने आप को बैलेंस कर ले। लेकिन ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से नहीं जुड़ करके एक्चुअली ये क्या कर लेता है, ये उस एटमॉस्फेरिक जो कम केमिकल सब्सटेंसेज हैं उसके साथ वो केमिकल बॉन्ड से जुड़ जाता है। समझ में आ गई ना? कैसे बॉन्ड से जुड़ता है सो देखिए। ये सरफेस का एटम है Fe, ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, दिस इज सरफेस एटम, ये अपने आप को अनबैलेंस फोर्स की फील कर रहा है। ये क्या कर रहा है? अपने आप को बैलेंस करने के लिए एटमॉस्फेरिक केमिकल को अपने तरफ इंटरेक्ट किया, जिसमें कौन सा सब्सटेंसेज है? ऑक्सीजन गैस प्लस क्या है? H2O मॉलिक्यूल, मॉइस्चर। तो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर की मात्रा काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? अनकाउंटेबल के लिए आप यहाँ पे एक्स कर दीजिए। समझ में आ रहा है ना? ये क्या हुआ एटमॉस्फेयर में? आफ्टर देन ये आपस में रिएक्शन कर लिया, रिएक्शन करके क्या बनाया? Fe2O3.xH2O। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये क्या बनाया? Fe2O3.xH2O। XH2O का मतलब क्या हो गया? इसको क्या बोले? H2O मॉलिक्यूल। और इस H2O मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोले इसको? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जिस वाटर, जिस क्रिस्टलाइन सॉलिड में H2O मॉलिक्यूल कंबाइन स्टेट में रहेंगे, जुड़े हुए अवस्था में रहेंगे, हम उस वाटर मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन इसमें आने के बाद अब इसका नाम क्या हो गया? ये हाइड्रेटेड कहला। हाइड्रेटेड का मतलब वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। क्या नाम हो गया इसका? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। अब इस हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड का कलर कैसा हो गया? ब्राउन। और इसे ही क्या बोला गया? रस्ट, जंग। कॉमनली इसको क्या कहते हैं? रस्ट। अगर इसका IUPAC नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के द्वारा इसका जो IUPAC नेम रिकमेंड किया गया है, अब इसको देखिए, Fe2O3 में ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना बताया गया था? -2। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप x मान लीजिए, तो 2x माइनस 3 × 6 = 0, देन x बराबर +3 आ गया। अब इसका नाम कैसे देना है? तो आयरन, आयरन। Fe का मतलब क्या हो गया? आयरन। रोमन लिपि में 3 लिख दीजिए, 3 ऑक्साइड, क्लियर। और इसमें H2O मॉलिक्यूल है ना, तो H2O मॉलिक्यूल के लिए आप यहाँ पे हाइड्रेटेड शब्द को जोड़ दीजिए, तो फिर इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? हाइड्रेटेड आयरन 3। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? 3 ऑक्साइड। समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये कहाँ पे घटना घट रही है? आयरन के कहाँ पे घटना घट रही है? सरफेस के ऊपर। दैट मीन्स कोरिजन का घटना कहाँ पे हो रहा है? तो ये कैसा फेनोमेना हो जाएगा? पहली बात, ये सरफेस फेनोमेना है या नहीं है? ये सरफेस फेनोमेना है। सेकंड पॉइंट, ये नेचुरल केमिकल रिएक्शन है या नहीं है? नेचर में हो रहा है, तो ये नेचुरल केमिकल रिएक्शन अकर्स
ऑन द सरफेस ऑफ, नहीं नॉट ओनली आयरन, सरफेस ऑफ मेटल्स। कोरीजन क्या है? कोरीजन नेचुरल केमिकल रिएक्शन है या केमिकल फेनोमेना है जो कहाँ पे घटता है? मेटल के सरफेस के ऊपर घटता है। कोई दिक्कत समझने में? अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट, ये लोहे में जंग लगने की क्रिया डिजायरेबल है या अनडिजायरेबल है? अनडिजायरेबल है। तो दिस इज अनडिजायरेबल फेनोमेनन अकर्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। ये कैसा फेनोमेना है? अनडिजायरेबल। अब देख लो अनडिजायरेबल क्या है सो समझो। इंडियन गवर्नमेंट का बहुत सारा सामान लोहे का है, बहुत सारी फैक्ट्री है गवर्नमेंट का, वो लोहे का है, तो उसमें जंग लगता है कि नहीं? बहुत सारा रेलवे का जितने भी आइटम्स है 80-90% किस चीज़ का बना हुआ है? लोहे का बना हुआ है, आयरन का। बहुत सारा ब्रिज जो है सो लोहे का बना हुआ है, बहुत सारे सामान लोहे के बने हुए, बड़े बड़े टैंक तेल डालने वाले, तेल को रिजर्व करने वाला जो टैंक होता है लोहे का बना हुआ है। जब लोहे का बना हुआ है तो लोहे में रस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा? तो उस रस्ट को प्रिवेंट करने के लिए करोड़ों अरबों रुपया इंडियन गवर्नमेंट की खर्चा होती है अपने सामान को सुरक्षित करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। तो इच्छा है क्या? हमारे घर में लोहे का ग्रिल लगा हुआ है, लोहे का दरवाज़ा है, क्या उसमें जंग लगता है कि नहीं? हम लोग टाइम टू टाइम उसको पेंट करते हैं कि नहीं करते हैं? इच्छा करती है कि उसमें जंग लग जाए? तो ये अनडिजायरेबल फेनोमेना है या नहीं है? हम इसी अनडिजायरेबल फेनोमेना की घटना हम कोरीजन के नाम से, इस घटना को किस नाम से जानते हैं? कोरीजन। तो कोरीजन क्या है? तो कोरीजन इज ए नेचुरल केमिकल प्रोसेस अकर्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल्स। कोई दिक्कत समझने में? और ये जो है सो सरफेस फेनोमेना है। अब सेकंड पॉइंट, हम लोगों के घर में अल्मीनियम का बर्तन है, जिस समय मार्केट से ख़रीद करके लाते हैं उसमें कितने काफ़ी शाइनिंग करते हैं, यूज करते करते उसकी शाइनिंग धीरे धीरे ख़त्म होते जाती है, डल होते जाता है शाइनिंग, उसका कलर कैसा हो जाता है? ब्लैक हो जाता है। ब्लैक यानी अल्मीनियम मेटल के सरफेस के ऊपर ब्लैक कलर का कंपाउंड का डेवलपमेंट हो गया, जिसके कारण से उसका जो शाइनिंग था वो डल हो गया कि नहीं हो गया? अब आ जाते हैं ये अल्मीनियम की घटना हुई। अब सेकंड पॉइंट कॉपर, कॉपर के बर्तन है हमारे यहाँ, कॉपर के बर्तन में भी किस कलर का कंपाउंड? तो ग्रीन, ग्रीन कलर के कंपाउंड डेवलप हो जाते हैं। सिल्वर एंड गोल्ड, इनके ऊपर ब्लैक कलर के कंपाउंड डेवलप हो जाते हैं। इस कलर्ड कंपाउंड का सरफेस के ऊपर डेवलप होना क्या कहलाया? कोरीजन कहलाया। तो कोरीजन में सबसे पहले हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं, हम लोगों किसका किसका स्टडी करना है? आयरन का करना है, अल्मीनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, फर्स्ट मैग्नीशियम का पहले ही हम लोग कर लिए थे, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन पढ़े थे ना फर्स्ट ही पॉइंट में उसी समय में। इसमें तो सबसे पहले पहला पॉइंट क्या होता है? रस्टिंग ऑफ आयरन। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। इसको क्या बोला गया? रस्टिंग ऑफ आयरन। कोई दिक्कत समझने में? तो रस्टिंग ऑफ आयरन के बाद मेटल के सरफेस के ऊपर कौन सा कंपाउंड जम गया, बन गया? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड ना जी, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। अब इस हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड को क्या बोला गया? रस्ट। और इस रस्ट का कलर कैसा होता है? ब्राउन। लेकिन ध्यान दे दीजिए, अगर आयरन को, आयरन यानी मेटल को, आयरन मेटल को सिर्फ वाटर मिले, ऑक्सीजन नहीं मिले, तो रस्टिंग नहीं होंगे।
रस्टिंग के लिए आप देख रहे हैं ना, दोनों चीज़ चाहिए ना इनको, सिर्फ वाटर मिले रस्टिंग नहीं होंगे, सिर्फ ऑक्सीजन मिलेगा रस्टिंग नहीं होगा, ऑक्सीजन और वाटर दोनों मिलेंगे तब रस्टिंग होंगे, ये पॉइंट को ध्यान दे देना। मैंने क्या बोला कि यदि आयरन को सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन गैस मिला, मॉइस्चर नहीं मिला, वाटर नहीं मिला, तो रस्टिंग नहीं होंगे, कोई दिक्कत समझने में। और अगर मेटल को, आयरन मेटल को वाटर मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, मॉइस्चर मिल गया ऑक्सीजन नहीं मिला, तो फिर रस्टिंग होंगे नहीं होंगे। अगर मेटल आयरन को ऑक्सीजन और वाटर दोनों साथ साथ मिले तभी रस्टिंग प्रोसेस होगा, कोई दिक्कत समझने में। उतार लीजिए पहले रस्टिंग को। सर ऑक्सीजन ही क्यों चाहिए रस्टिंग के लिए? रस्ट का कॉमन नेम हो गया, आयरन हाइड्रेटेड ऑक्साइड ना है, ऑक्सीजन है कि नहीं उसमें, इसलिए उसको ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन चाहिए। सर आयरन को ऑक्सीजन तो मिलेगा, जब वाटर मिलेगा तो वाटर में तो ऑक्सीजन रहता है। वाटर में तो ऑक्सीजन रहता है, वाटर में ऑक्सीजन रहता है, वो नहीं चाहिए, ऑक्सीजन फ्री स्टेट में एलिमेंटल कंडीशन में चाहिए। बंद हो गया है, बंद कर दो। अब यहाँ पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि रस्टिंग प्रोसेस को तो देखा कि रस्टिंग क्या है, कोरिजन प्रोसेस क्या है। अगर आपसे पूछेगा रस्टिंग का डिफिनीसन बताइए, क्या होगा रस्टिंग का डिफिनीसन? रस्टिंग प्रोसेस तो देख रहे हैं, तो जो प्रोसेस है उसी को आप इंग्लिश लैंग्वेज में बोल दीजिए, वही डिफिनीसन हो गया। तो रस्टिंग इज ए केमिकल अनडिजायरेबल नेचुरल केमिकल प्रोसेस अकर्स ऑन द सर्फेस ऑफ आयरन मेटल इन विच सर्फेस एटम आयरन एटम कंबाइंड विथ एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर टू फॉर्म रस्ट। दिस प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग प्रोसेस। तो हम लोग रस्टिंग पे आ रहे हैं। रस्टिंग इज नेचुरल अनडिजायरेबल केमिकल प्रोसेस अकर्स ऑन द सर्फेस ऑफ आयरन मेटल इन विच सर्फेस एटम रिएक्ट्स और कंबाइन विथ एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर टू फॉर्म रस्ट। दिस प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग, कोई दिक्कत समझने में। अब रस्टिंग को हम रोकथाम कैसे करेंगे? प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग प्रोसेस। रस्टिंग प्रोसेस को हम लोग कैसे प्रिवेंट करेंगे? सबसे पहला मान लेते हैं लोहे का रड है, छड़ है, इस छड़ में रस्ट नहीं लगे, इसके लिए हम इसके ऊपर क्या करेंगे? आयल लगा देंगे, तेल लगा सकते हैं, ग्रीस लगा करके इसको कुछ दिनों के लिए सुरक्षित कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, वार्निशेज इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये टॉपिकल, देखो रस्टिंग को दूर नहीं किया जा सकता है, रस्टिंग को रिमूव एकदम नहीं कर सकते हैं, रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं कुछ ही समय के लिए। और जिस चीज़ से प्रिवेंट कर रहे हैं उस चीज़ को आप हटा दीजिए, फिर रस्टिंग होना क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला क्या है? टू यूज आयल, ग्रीसेज, पेंट्स, वार्निशेज ऑन द सर्फेस ऑफ आयरन मेटल। आयरन मेटल के ऊपर ये सब सब्सटेंस को आप लगा दें तो कुछ दिनों के लिए रस्टिंग रोक सकते हैं। जो ही ये सब्सटेंस हटेंगे
तो ही रस्टिंग प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, गैल्वेनाइजेशन, ये प्रोसेस क्या होता है? ये सब प्रोसेस इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, ये पूछे जाते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, इस चीज़ को समझ लो। जिंक मेटल जो होते हैं वो नॉन रस्टेड सब्सटेंस होते हैं, उसमें जंग नहीं लगते हैं। जिंक मेटल को पिघला दिया जाता है और पिघला देने के बाद ये आयरन मेटल है उसको डीप डाउट कर लीजिए तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, जिंक का लेयर आ जाएगा। तो जिंक का लेयर जब तक रहेगा तब तक आयरन में रस्ट नहीं लगेगा, अपर सरफेस पे आ गया। ये किससे प्रिवेंट कर रहा है, ऑक्सीजन और वाटर से प्रिवेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो उस प्रोसेस को क्या बोला गया, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के नाम से जानते हैं। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान दो, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में बहुत सारे पॉइंट में एक क्वेश्चन आते हैं कि अगर जिंक का जो लेयर है वो लेयर क्रैक कर जाएगा तो क्या रस्टिंग होना शुरू हो जाएगा वहाँ पे? क्रैक कर गया तो रस्टिंग होना शुरू हो जाएगा? नहीं, नहीं होगा रस्टिंग। कारण जानते हो क्या है, कई लेयर आ जाते हैं जिंक के, तो क्रैक कर रहे हैं अपर लेयर, इंटरनल लेयर क्रैक नहीं किए हैं, समझ में आ रही है ना? वहाँ पे कंपाउंड है सो दैट वहाँ पे रस्ट नहीं लगेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गैल्वेनाइजेशन क्या है, मोल्टेन आयरन मेटल इज डिप्ड आउट फ्रॉम द मोल्टेन जिंक मेटल। तो क्या होता है, ए लेयर ऑफ जिंक इज डेवलप्ड ऑन द सरफेस ऑफ आयरन मेटल, ए लेयर ऑफ जिंक मेटल इज डेवलप्ड ऑन द सरफेस ऑफ तो हम इस प्रोसेस के माध्यम से भी हम रस्टिंग को रोक सकते हैं कुछ दिनों के लिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है, बराबर पूछते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट एनोडाइजिंग प्रोसेस। एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग प्रोसेस क्या है? देखो, अल्मोनियम ऑक्साइड जो होते हैं, हमने बताया था अल्मोनियम मेटल के ऊपर कौन सा कंपाउंड डेवलप होता है, अल्मोनियम ऑक्साइड, और अल्मोनियम ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है, समझ में आ रही है ना? और अल्मोनियम ऑक्साइड कैसा लेयर होता है, प्रोटेक्टेड लेयर के नाम से जाना जाता है। और ये जो होते हैं नॉन रस्टिंग सब्सटेंस होता है, इसमें जंग नहीं लगता है, क्लियर? तो अल्मोनियम ऑक्साइड का एक लेयर इसके ऊपर डेवलप कर दिया जाता है, तो आउटर लेयर क्या हो गया, अब इस मेटल का, आयरन मेटल का आउटर लेयर क्या हो जाएगा, अल्मोनियम ऑक्साइड हो गया ना। तो अल्मोनियम ऑक्साइड नॉन रस्टिंग सब्सटेंस होते हैं, उसमें रस्ट लगते नहीं हैं, और ये क्या करता है, रस्ट बनने से आयरन मेटल को कम्प्लीटली प्रिवेंट कर दिया, उसके ऊपर आ गया ना, तो ऑक्सीजन और मॉइस्चर मिलना बंद हो गया, रस्टिंग होगा क्या? तो नेक्स्ट प्रोसेस एनोडाइजिंग प्रोसेस। एनोडाइजिंग प्रोसेस में क्या होता है, ए लेयर ऑफ अल्मोनियम ऑक्साइड इज डेवलप्ड ऑन द सरफेस ऑफ एफी मेटल। हम इस प्रोसेस को किस नाम से जानेंगे, एनोडाइजिंग। चौथा प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकली प्लेट का डेवलप करना, प्रोसेस क्या कहलाया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देखो, टीन स्ट्रांसियम, इलेक्ट्रिकली स्ट्रांसियम का फॉइल जो होता है पत्थर, इस मेटल के ऊपर मेड़ दिया गया, समझ में आ रही है ना, उसमें जंग लगता नहीं है,
तो ये आयरन मेटल सुरक्षित हुआ या नहीं हुआ, इस प्रोसेस को क्या बोला गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस। ए लेयर ऑफ स्ट्रॉन्शियम इज डेवलप्ड इलेक्ट्रिकली ऑन द सरफेस ऑफ Fe मेटल। तो इस प्रोसेस से हम लोग रस्टिंग प्रोसेस को प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन रस्टिंग कंप्लीट प्रिवेंशन वाले प्रोसेस नहीं है। जब ये सब सब्सटेंस हटेंगे फिर ऑक्सीजन और वाटर का संपर्क मिलेगा, फिर रस्टिंग प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर, रस्टिंग का कंप्लीट डिटेल्स आपको दिया गया है, कैसे होता है रस्टिंग, उसको प्रिवेंशन कैसे हम कर सकते हैं, इसको जल्दी से उतार लीजिए, बंद कर दूँ।